हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैंपल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो सैंपल टेस्ट में क्वेश्चन है वो है मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन रोप। आपके कंट्री में मिनिमम डायमीटर क्या होता है रोप का? नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है रोप लेंथ के बारे में, और मेन रोप की लेंथ निकालनी है आपको। कुछ डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, ट्रैवल दिया है और ओवरहेड दिया है, मशीन शिप का डाया दिया है, डिस्टेंस दिया है शिप का सेंटर का फ्रॉम दी मेन मशीन रूम फ्लोर। मशीन रूम फ्लोर का जो स्लैब है उसकी थिकनेस दिया हुआ है। तो डाटा सारा अवेलेबल है, क्या आप रोप लेंथ निकाल सकते हैं? इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। कृपया वीडियो को एंटर देखें। अब आपने यहाँ पर सिंक्रोनस आरपीएम बताने हैं कितने हैं। डाटा आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, मोटर करंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ पोल्स दिया है मोटर के। तो ऑप्शन भी नीचे दिए हैं चार, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। क्या है? डाया ऑफ शीप, पुली। ये आपको बताना है कि मिनिमम जो शीप होती है मेन मोटर की और दूसरी पुली जो लिफ्ट के अंदर लगती हैं, और उसमें मिनिमम डाया क्या होना चाहिए। चार ऑप्शन नीचे दिए हैं, उसमें से एक आप बताएं आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट एंड एलिवेटर। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीएडी, ये भी इजी है, आप ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। हु इन्वेंटेड दी फर्स्ट इलेक्ट्रिक एलिवेटर, ये आप सातवां क्वेश्चन है, ये आप आराम से इसमें से बता सकते हैं। और तीन नाम हमने दिए हैं यहाँ पर, उसमें से एक आपको बताना है कौन सा है। इसके आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। कृपया पूरा वीडियो एंड तक देखें। सेफ्टी गियर जो लिफ्ट के में लगता है वो किसने इन्वेंट किया? तो उसका नाम आपने बताना है। तीन नाम ऑप्शंस यहाँ हमने दिए हैं आपको। और नाइन्थ क्वेश्चन है गाइड रेल के बारे में, कि स्टैंडर्ड गाइड रेल जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है, स्टैंडर्ड लेंथ क्या होती है। अगेन यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने बताना है। और दसवां क्वेश्चन है एक्सीडेंट के बारे में, लिफ्ट एक्सीडेंट आपने देखा बहुत सारे होते हैं, तो आपने बताना है कि मेजर कॉज, वन कॉज क्या है जो जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट बहुत सारे रीजन से होते हैं, आपने बताना है कि उनमें से एक कारण है जिसके वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्यारहवां क्वेश्चन, डीबीबी और डीबीजी के बारे में। यहाँ पर आपको कार डीबीजी दिया है और गाइड रेल का जो साइज है वो दिया है। आपको डीबीबी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ब्रैकेट निकालना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं आपको, इन सब के आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। कृपया पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और 12वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनिमम कार्ट ऑफ इमरजेंसी स्टॉप स्विचेज आर रिक्वायर्ड। टीईएस जो है टॉप ऑफ कार इमरजेंसी स्टॉप का शॉर्ट फॉर्म है, आपको मालूम ही होगा। तो इसमें से आपको चार ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट करना है। तो ये 12 क्वेश्चन थे जो सैंपल टेस्ट में हमने आपको दिए हैं। अगर आप पूरा इसको करना चाहते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिलेगा पूरा एक लिंक, वहां पर से आप पूरे लेवल वन का जो टेस्ट है उसको ले सकते हैं। अब इनके हम आंसर्स देखेंगे सब क्वेश्चंस के, जो 12 क्वेश्चंस हैं। तो आपको आंसर्स, अगर आपको आप देखिएगा कि आपने कितने सही दिए और कितने गलत दिए, तो नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, 10 में से कितने क्वेश्चंस, 12 में से कितने क्वेश्चंस आप कर पाए। तो आगे जाने से पहले अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको और बहुत सारे स्किल टेस्ट और जो भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आंसर्स देखते हैं जल्दी से। मिनिमम डायमीटर मेन रोप का हमने आपसे पूछा था, ये 8 mm है। ये हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में मिनिमम 8 mm रोप जरूरी है यूज करना। रोप लेंथ आपने निकालनी थी, ये करीब 23 meters आ रही है। आप लोग थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, बट मिनिमम 23 meters हमें चाहिए चाहिए। 24 भी हो सकती है, बट कैलकुलेशन के हिसाब से जो फॉर्मूला है उसमें 23 आ रही है। अगर किसी को ये फॉर्मूला समझना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कृपया नीचे हमें कमेंट्स में लिखिए, हम उनको ये फॉर्मूला भी बताएंगे। और सिंक्रोनस आरपीएम हमने पूछे थे आपसे, तो ये 1800 है यहाँ पर,
डी ऑप्शन है इसका आंसर। उम्मीद है आपने सही दिया होगा। डायरा ऑफ शीप पुली पूछा था हमने, ये एज पर फॉर्मूला होता है। ये डिपेंड करता है कि रोप कितने साइज की यूज कर रहे हैं। शीप के अंदर अगर हम 8 mm कर रहे हैं तो मेन पुली जो है वो 320 और बाकी पुलियां जितनी हैं वो भी 320 होनी चाहिए सारी। तो इसको फॉर्मूला है ये 40D, 40 times into डायामीटर ऑफ रोप। तो उम्मीद है कि आपको पता होगा ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिफ्ट एंड एलिवेटर। ये आपको सिंपल था बहुत क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है टेक्निकली। आजकल कुछ नया ट्रेंड है कि लोग बोलते हैं लिफ्ट को गुड्स लिफ्ट, गुड्स को लिफ्ट बोलते हैं और जो पैसेंजर्स के लिए होता है वो एलिवेटर बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है ये टेक्निकली। डीएडी का आपको पता ही है आंसर, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग होता है। उम्मीद है कि आपने सब लोगों ने सही आंसर किया होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रिक एलिवेटर बहुत सारे लोगों ने शायद आंसर किया हो वोटेस, बट ये सही नहीं है, वेनर वॉन सीमेंस है ये इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा ये। आप नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि किस किस ने ओटिस लिखा, ओटिस सोचा था। सेफ्टी गियर ऑफ कोर्स एलिसा ग्रे ओटिस ने निकाला था, जिसके बाद ही एलिवेटर्स लगना पॉसिबल हुआ। पहले उससे पहले लोग जाते नहीं थे एलिवेटर में, जब ये सेफ्टी गियर इन्वेंट हुआ उसके बाद ही पैसेंजर लिफ्ट में लोग जाने लगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, गाइड रेल की लेंथ स्टैंडर्ड लेंथ 5 मीटर होती है। ये जो मैन्युफैक्चरर है गाइड रेल के उनको शायद कुछ कन्वीनियंट होता होगा, बट ज्यादातर 99% जितने मैन्युफैक्चरर है वो 5 मीटर का ही बनाते हैं स्टैंडर्ड। एक मेजर कॉज जो है आपने सही आंसर किया होगा, उम्मीद है कि लैंडिंग डोर सेफ्टी शॉर्टिंग से ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऐसा सर्वे हुआ, ऐसा स्टडी हुआ तो मालूम पड़ा कि करीब 70-80% जितने एक्सीडेंट है वो इस कारण से होते हैं कि गेट शॉर्ट है। तो उम्मीद है कि आप इसको ध्यान रखेंगे और कभी भी गेट को शॉर्ट नहीं करेंगे, लैंडिंग डोर जो है उसकी सेफ्टी को शॉर्ट नहीं करना है कभी भी आपने। यहाँ पर हमको डीबी भी निकालना था, डीबीजी दिया हुआ था, तो आप देखेंगे T70 का साइज दिया हुआ था, तो यह आंसर है C 1470 mm। आप उम्मीद है कि आपने सही दिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में हमें पूछे, हम ये बताएंगे कि कैसे हुआ ये। और लास्ट में टॉप ऑफ कार इमरजेंसी स्टॉप स्विच के बारे में बात किया था। ये दो लगेंगे मिनिमम अगर बेड लिफ्ट है तो। इसका एक लॉजिक है कोड के हिसाब से, लिफ्ट के बाहर खड़े होके अगर हम बीच में लगाएंगे एक क्रॉस हेड पे या कार फ्रेम पे, तो वो जब लिफ्ट के बाहर आदमी खड़ा है तो उसको पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, तो उसको सेफ्टी नहीं मिलेगी, कार टॉप पे चढ़ना पड़ेगा उसको इमरजेंसी स्टॉप स्विच को ऑफ करने के लिए। तो एक स्विच जो है ऐसी लंबी जब कार होती है डोर के पास, आपको कार गेट के पास कहीं लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपने ये आंसर सब देख लिए होंगे। प्लीज इनके आंसर्स को हमें बताएं, आपने 12 में से कितने आपने सही किए नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आपने अच्छा लगा ये हमारा वीडियो तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले हमारे बहुत सारे स्किल टेस्ट हैं, ऐसे ही आपको बहुत अच्छे अच्छे स्किल टेस्ट मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर।